हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड इथरनेट। तो स्टैंडर्ड इथरनेट से पहले इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि इथरनेट बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम इथरनेट की बात करें तो इट इज़ नथिंग बट द वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इन अ लैन और लोकल एरिया नेटवर्क। सो वैन वी वॉन्ट टू कनेक्ट द computers in a local area network, we will have to follow the some standards, some set of rules, and some these set of rules come under a standard that is called the ethernet. तो इथरनेट के जरिए आप किसी कंप्यूटर को कैसे आपस में कनेक्ट करेंगे किसी नेटवर्क में, वो सारी चीज़ें आपकी डिफाइन होती हैं इथरनेट के अंदर। चलिए देखते हैं, पहला कि जो आपका फर्स्ट इथरनेट था या जिसको हम ओरिजिनल इथरनेट कहते हैं, वो डेवलप हुआ था इन 1976 में, जिसको डेवलप किया था ज़ेरॉक्स पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर ने। तब से अगर आप अभी तक देखें तो जो आपका जो इथरनेट है उसमें जो जनरेशन्स हुई हैं, देर आर फोर जनरेशन्स, दैट इज स्टैंडर्ड इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट एंड 10 गीगाबिट इथरनेट। तो जो जनरेशन्स की बात करें तो जनरेशन जो मेनली डिपेंड करता है दैट इज द स्पीड। तो स्टैंडर्ड इथरनेट से लेके अब तक की स्पीड अगर देखी जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है, दैट इज देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड इथरनेट एंड द 10 गीगाबिट इथरनेट। सो इथरनेट इज ओनली द वे ऑफ कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। सो एज आई सेड, इट इज डेवलप्ड इन 1976 बाय द एट ज़ेरॉक्स पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर। नाउ लेट्स सी दैट हाउ मेनी इवेल्यूएशन इट हैज। इट हैज स्टैंडर्ड इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट एंड द 10 गीगाबिट इथरनेट। सो यू कैन सी हियर दैट देयर इज अ चेंज इन स्पीड, दैट इज शुरुआत हम 10 Mbps यूज कर रहे थे, देन 100 Mbps, देन 1 Gbps एंड नाउ डेज वी आर टूवर्ड्स द 10 Gbps ऑफ स्पीड। सो दिस इज द वे ऑफ इथरनेट एवोल्यूशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड इथरनेट्स फिजिकल लेयर इंप्लीमेंटेशन। तो अगर फिजिकल लेयर इंप्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इथरनेट की, देन इट इज हैविंग द फोर मोस्ट कॉमन कैटेगरीज। चार मोस्ट कॉमन कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका 10 बेस 5, 10 बेस 2, 10 बेस T एंड 10 बेस F। तो 10 बेस 5, 2, 3 ये क्या है, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इसे कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ कैटेगरी में, जैसे स्टैंडर्ड इथरनेट को जो डिवाइड किया गया है, तो आप देख सकते हैं इसके नीचे लिखा हुआ बस और थिक कोएक्सियल केबल। तो बस दैट इज इट यूजेस द बस टोपोलॉजी एंड इट यूजेस द वायर एज द थिक कोएक्सियल केबल। तो बस टोपोलॉजी एंड थिक कोएक्सियल केबल, एंड हियर वी सी द बस टोपोलॉजी, थिन कोएक्सियल केबल, स्टार टोपोलॉजी एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, स्टार टोपोलॉजी एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो जो आपके स्टैंडर्ड इथरनेट को जो चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो इसके डिफरेंट जो आप मैकेनिज्म्स या जो डिफरेंट आप इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला देखते हैं 10 बेस 5। 10 बेस 5 को अगर देखा जाए तो थिक इथरनेट भी कहा जाता है, बिकॉज द केबल की जो विड्थ होती है या केबल की आप गॉज की बात करें तो जो गेज होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोटी होती है, इसलिए से थिक इथरनेट भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसका नाम 10 बेस 5 क्यों है। अगर पहली इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो आपका होता है 10 बेस 5, जिसे थिक इथरनेट भी कहा जाता है। इसका जो निक नेम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी केबल की साइज़ की वजह से। तो जो साइज़ ऑफ केबल जो होता है, ये रफली अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो जो गार्डन में आपकी जो पाइप होती है या हॉस कहा जाए जिसे पाइप होती है, उसके बराबर यानी उतनी उसकी साइज़ के बराबर होती है चौड़ाई, या फिर देखी जाए गेज जो होती है उतनी ज़्यादा होती है। और इट इज़ टू स्टिफ टू बैंड विथ योर हैंड्स, और वो इतनी ज़्यादा मोटी है कि दैट इट विल बी सो डिफिकल्ट टू बी बैंड बाय योर हैंड्स, उसको मोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। सो दैट इज डिफाइंड एज द थिक इथरनेट। अगर हम 10 बेस 5 की बात करते हैं तो ये फर्स्ट इथरनेट था विच यूजेज द बस टोपोलॉजी विथ एन एक्सटर्नल ट्रांसीवर। ट्रांसीवर की बात करें तो जो बस टोपोलॉजी दैट इज 10 बेस 5 में आप जो बस टोपोलॉजी यूज़ कर रहे थे, तो इसमें जो आपके ट्रांसीवर दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिटर एंड रिसीवर थे, ये एक्सटर्नली कनेक्टेड थे वीआ सम टाइप ऑफ टैप टू अ थिक कोएक्सियल केबल। तो आप देख सकते हैं इसका डायग्राम यहाँ पे कि दिस इज योर बस टोपोलॉजी, दिस इज योर बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के बीच आप देख सकते हैं जो आपके ट्रांसीवर है, दैट इज आपके स्टेशंस के पास ट्रांसीवर नहीं होता था, ट्रांसीवर जो होता था वो आपके केबल में केबल के थ्रू ही होता था, और इस केबल से एक ट्रांसीवर केबल जो होता था दैट इज जो स्टेशन
और बस को आपस में कनेक्ट करता था। उसके ज़रिए वो क्या होता था, वो ट्रांसीवर सिस्टम या डिवाइस से आपका कनेक्टेड होता था। इस ट्रांसीवर केबल की जो मैक्सिमम लंबाई हो सकती है वो कितनी होगी, सिर्फ 50 मीटर, इससे ज़्यादा आपकी ट्रांसीवर की केबल नहीं हो सकती है। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ठीक इथरनेट तो ठीक होने की वजह से ये बैंड नहीं हो सकता था। तो स्टेशंस को एक दूसरी वायर के जरिए इन थिक इथरनेट से क्या होता था, कनेक्ट करना पड़ता था। अगर आप थिक इथरनेट या थिक कोएक्सियल केबल जो आप यूज़ करते हैं इसकी भी जो मैक्सिमम लंबाई हो सकती है वो 500 मीटर है। 500 मीटर से अगर ज़्यादा लंबाई आप यूज़ करेंगे देयर बी देन डिस्टॉर्शन एंड देयर बी लॉसेज इन द सिग्नल। अब हम बात करते हैं 10^5 का नाम। 10^5 से क्या मतलब होता है, 10 का मतलब दैट इज 10 Mbps, बेस मतलब वी यूज द बेस बैंड सिग्नल हम यूज़ करते हैं, एंड 5 दैट इज द जो मैक्सिमम लंबाई हो सकती है दैट इज द 500 मीटर। तो 10^5 का ये पूरा का पूरा मतलब होता है जो आपको याद होना चाहिए, 10 Mbps, 500 मीटर एंड यूज द बेसमेंट सिग्नल एंड द केबल इज सो स्टिफ सो दैट इट कैन नॉट बी बेंड बाय योर हैंड्स एंड टू कनेक्ट द ट्रांसीवर फ्रॉम अ सिस्टम और अ नोड वी यूज अ ट्रांसीवर केबल। मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस केबल इज 50 मीटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 10^2 विच इज नोन एज थिन इथरनेट। अभी पहला थिक था, अब आपका थिन इथरनेट है। आप जो थिन इथरनेट होता है इट ऑल्सो यूजेज अ बस टोपोलॉजी बट द केबल इज मच थिनर एंड मोर फ्लेक्सीबल इन कंपेरिजन टू थिक इथरनेट। तो ज़्यादा थिनर होता है और आपका फ्लेक्सीबल होता है। सिंस केबल इज मच थिनर एंड मोर फ्लेक्सीबल देयर फॉर इट कैन बी बेंट टू पास वेरी क्लोज टू द स्टेशन सो दैट द ट्रांसीवर इज नॉर्मली द पार्ट ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस कार दैट से जिसे हम NIC कहते हैं। पिछली अपने देखा कि जो थिक इथरनेट में था उसमें इतना ज़्यादा मोटा था कि आपको एक ट्रांसीवर केबल यूज़ करना पड़ता था और ट्रांसीवर जो डिवाइस भी था वो आपको अलग से यूज़ करना पड़ा था। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो केबल है वो बहुत थिन है और फ्लेक्सिबल है, देयरफॉर वो आपके स्टेशन के पास से गुजर सकती है। देयरफॉर हमको जो ट्रांसीवर की थी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसीवर जो बेसिकली होता है वो नेटवर्क इंटरफेस जो होता है उसी का एक पार्ट होता है। आप देख सकते हैं, सो दिस इज योर केबल इन थिन इथरनेट। एंड थिन इथरनेट में 10^2 होता है, 10^2 इसे कहते हैं। उसमें 5 था यानी 500 मीटर था। इसमें जो केबल की लंबाई जो होती है मैक्सिमम हो सकती है 185 मीटर, और आप सिग्नल बेसबैंड होगा, स्पीड जो होगी आपकी 10 Mbps होगी। तो स्टैंडर्ड इथरनेट में जो स्पीड रहेगी वो आपकी सेम रहेगी, जो चेंज होगा आपकी ये 2 या स्पीड जो विड्थ होगी वो चेंज होती रहेगी, आपकी लेंथ चेंज होती रहेगी, स्पीड आपकी 10 Mbps ही बनी रहेगी। सो दिस इज योर थिन इथरनेट। नाउ हम थर्ड इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करते हैं इज नोन एज द 10^T। टी स्टैंड फॉर द ट्विस्टेड पेयर, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ट्विस्टेड पेयर इथरनेट। तो 10^T जो होती है ये बेसिकली आपकी यूज़ करती है स्टार टोपोलॉजी को। तो इसमें जो स्टेशंस होते हैं वो हब या स्विच से आपके 2 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबल के जरिए कनेक्टेड होते हैं। तो पेयर्स जो चाहिए क्योंकि आपके ट्विस्टेड में तो एक ही ट्विस्टेड में आपके 2 वायर होते हैं, तो जब हम पेयर्स की बात कर रहे हैं तो अलग अलग दैट इज 4 वायर होंगे। 4 वायर में क्या होंगे, एक एक के पेयर होगा आपका, दैट इज 2 पेयर्स आपके यूज होंगे। तो 2 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबल जो हम यूज करते हैं दे क्रिएट द 2 पार्ट्स, एक आप सेंडिंग के लिए यूज होता है और दूसरा होता है आपके रिसीविंग के लिए बिटवीन द स्टेशन एंड द हब। सो एनी कॉलिजन वर हैपन्स इन द हेयर हैपन्स इन द हब कंपेयर टू बेस 10^5 एंड 10^2। तो अगर कोई भी कॉलिजन अगर होना होगा तो वो हब में होगा, आपके स्टेशन से या वायर में कहीं भी कोई भी कॉलिजन अगर नहीं होगा क्योंकि आप सेंडिंग और रिसीविंग के लिए 2 अलग अलग वायर यूज़ कर रहे हैं। अब अगर मैक्सिमम लेंथ की बात करें ट्विस्टेड पेयर केबल की तो मैक्सिमम आपकी हो सकती है 100 मीटर, सो दैट वी कैन रिड्यूस द अटेन्यूएशन इन द ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अगर अटेन्यूएशन नहीं चाहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल में तो उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो आपकी 100 मीटर की होगी। तो आप देख सकते हैं इसको डिफाइन करते हैं 10^T से, वेयर 10 Mbps, टी इज द ट्विस्टेड पेयर केबल एंड वी यूज द 2 पेयर्स ऑफ द UTP केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज बीन यूज्ड इन दिस इम्प्लीमेंटेशन। नाउ दिस इज योर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द स्टैंडर्ड इथरनेट दैट इज कॉल्ड द फाइबर इथरनेट, क्योंकि इसका एफ आप यहाँ पे फाइबर केबल यूज करते हैं सो दैट इट इज नोन एज द फाइबर इथरनेट। इट ऑल्सो यूजेज द 10 Mbps ऑफ स्पीड। इट यूजेज द स्टार टोपोलॉजी टू कनेक्ट द स्टेशन टू अ हब। तो हेयर वी सेम एज इन द
तो जैसा कि हमने 10BASE-T में 2 पेयर ऑफ यूटीपी केबल यूज़ किया था, उसी तरह आपका 10BASE-F में भी हम क्या करेंगे, 2 पेयर्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल हम यूज़ करते हैं, वन फॉर द सेंडिंग एंड वन फॉर द रिसीविंग द डेटा. सो इफ देयर इज अ कॉलिजन, कॉलिजन विल बी अकर इन द हब, नॉट इन द वायर्स और नॉट थ्रू द वायर्स. सो दिस इज द समरी ऑफ द स्टैंडर्ड इथरनेट दैट यू कैन स्टडी. कि मीडियम अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में दैट इज 10BASE-5, 10BASE-2 और 10BASE-T और 10BASE-F जो चार हैं, ये पहला थिक थिन यूटीपी एंड फाइबर एंड जो मैक्सिमम लेंथ होगी, और कौन कौन सी लाइन कोडिंग स्कीम, लाइन कोडिंग स्कीम दैट इज फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड के लिए. तो लाइन कोडिंग स्कीम में सब के सब जो है वो मैनचेस्टर कोडिंग स्कीम को यूज़ करते हैं. तो ये आपका हो गया है बेसिक आपका स्टैंडर्ड इथरनेट के बारे में. नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द फास्ट इथरनेट.